देखिए ये झारखंड की बात ही है, हम लोग रांची ऑन द वे हैं और क्या बेहतरीन एकदम व्यू है इस रोड का, देखिए क्या खूबसूरत नजर आ रहा है। हम लोग अभी कवरेज करने गए थे मित्रों के साथ में, जो वीडियो आपको देखने को मिला होगा, अंकिता दुमका की बेटी जो एक दरिंदा हैवान के द्वारा जलाकर मार दिया गया, तो बहुत बेहतरीन कवरेज वहां से किए हैं। वहां पे जाने के बाद बहुत सारी चीजें देखने को मिला, जिसमें प्रशासन, दुमका प्रशासन भी कहीं ना कहीं बचाव कर रहा है उस कातिल का, क्योंकि जब ग्राउंड रिपोर्ट से लोग उसके गांव के लोगों का व्यू ले रहे थे, पूछ रहे थे कि वो कैसा लड़का था, क्या था, तो दुमका प्रशासन पत्रकारों को मना कर रही थी सवाल जवाब करने से। फिर लोग उनके पास भी माइक ले जाकर सवाल जवाब करने लगे, तो भड़क गया वो। खैर, भड़कने से क्या होगा, हम लोगों का काम है सवाल और जवाब करना, जवाब मांगना, है ना। तो अभी हम लोग ऑन द वे हैं और रात्रि के लगभग 11 बज चुका है, लौट रहे हैं हम लोग, रास्ते में हैं। बहुत भाई लोग था सुबह से, हम लोग लगभग घर से 6 बजे घर को छोड़े थे। आप लोगों का प्यार और समर्थन बस चाहिए हमें, जैसे मगहिया जवान पे हमें दिए हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग करेंगे और इस प्रकार के, जिस प्रकार की भी खबरें हों, जहां भाई बुलाएंगे वहां हम लोग बेझिझक आते रहेंगे। और भाइयों का ही कहना था, भाइयों का ही मानना था कि हम लोग आए ग्राउंड से, और आज ग्राउंड से आए और बहुत कुछ देखने को आपको मिला भी होगा, देखे भी होंगे, है ना। रात्रि काफी हो गया है, जाते जाते यही कहेंगे, बस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, खूब आप भी देखिए, लोगों को भी दिखाइए, और इस अलग को जगाए रखना है। जिस प्रकार जब तक बहन अंकिता को न्याय नहीं मिलता है, अलग को जगाए रखना है, वरना इस प्रकार की तमाम सैकड़ों घटनाएं हमारे हिंदुस्तान में होता है, लेकिन जैसे ही आप सब चुप हो जाइएगा, आप सब रुक जाइएगा, हो सकता है कि बस अपना नेताजी लोग चेहरा चमकाने आएंगे, तस्वीर खिंचाने आएंगे, फॉर्मेलिटी निभाने आएंगे, फिर मामला दब जाएगा, कोई बोलने वाला रहेगा नहीं, फिर वही कहानियां कि माँ बाप तड़प तड़प के रह जाएंगे। हालांकि अंकिता की माँ का भी देहांत हो चुका है, स्वर्गवास हो चुका है पहले ही, तो अंकिता को न्याय चाहिए, तो आप सबका समर्थन बेहद जरूरी है, है ना। अब वीडियो को जाते आते शेयर कर दीजिएगा और इस अलग को जगाए रखिए। जय हिंद।